नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपको प्याज के छिलकों के कुछ ऐसे चमत्कारी फायदे बताने वाले हैं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। और इन प्याज को छिलकों को यूं प्याज छीलने के बाद तुरंत कचरेदान में यानी कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही असरदार और बहुत ही कारगर चीज़ है और इसको यूं कूड़े में फेंकना मैं सही नहीं समझता। और आप भी जान जाएंगे इस वीडियो के अंत तक कि प्याज के छिलकों में क्या बात है और क्यों मैं ये बात अभी कह रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे नीचे जाके लाल बटन को दबाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए लाते हैं ज़बरदस्त टिप्स जिससे आप घर पर ही अपनी औषधि बना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम डायरेक्ट आते हैं नुस्खे की तरफ। दोस्तों, प्याज के छिलके के कुछ ऐसे चमत्कारी फायदे हैं जिन्हें शायद आप अब तक नहीं जानते होंगे। यूँ तो प्याज काटना या छीलते समय आप भले ही आपको ये रुलाता हो, लेकिन इसके बिना खाने का स्वाद भी बिल्कुल बेस्वाद होता है। प्याज के यूं तो कई लाभ होते हैं, लेकिन इसके छिलका जो होता है, छिलके को त्वचा पर रगड़ने से कुछ ऐसे मतलब चमत्कारी या कहें अविश्वसनीय फायदे होते हैं जिन्हें जानकर आप आज इस बेशकीमती छिलकों को जरूर इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला फायदा जल जाने पर। जी हाँ, त्वचा का कोई हिस्सा जल जाने पर अगर आप प्याज का अंदरूनी भाग यानी ये वाला जो काट के निकलता है, जैसे ये जो अंदरूनी भाग है, काट के जो अंदरूनी भाग जो होता है, अंदरूनी भाग या आधा प्याज काट कर जले हुए हिस्से पर रगड़ने से इससे ना केवल आपका दर्द कम होता है बल्कि इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा भी कम हो जाता है। तो आप चाहें तो ये छिलका जो भी मैंने दिखाया है आपको, या फिर इसको अगर आप प्याज को आप बीच में से काटते हैं जैसे मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ, ये जो प्याज का बीच का हिस्सा है, इसे काट को जो मैंने दिखाया है आपको, अगर आप इसे रगड़ते हैं अपने जले हुए हिस्से पर तो आपका इस अपने जले हुए हिस्से पर बहुत ज़्यादा फायदा महसूस करेंगे। दूसरा, डिटॉक्स। दोस्तों, प्याज बैक्टीरिया को सोखने का कार्य करता है, इसलिए त्वचा के किसी भी हिस्से पर प्याज को रखकर आप इन्फेक्शन और हवा के माध्यम से जो होने वाला जो इन्फेक्शन होता है उन सभी खतरे से बच सकते हैं और उनको जड़ से मिटा सकते हैं। प्याज में एंटी बैक्टीरियन गुण होते हैं जिसकी मदद से वह आपको ये लाभकारी गुण देता है और आपको संक्रमण से बचाता है। तीसरा, दंश। आमतौर पर किसी भी कीड़े मकोड़े या मच्छर द्वारा काट लेने पर या काटे गए स्थान पर आधा प्याज काट कर जैसे मैंने अभी काटा है, अगर आप लगाते हैं तो ऐसा करने से दर्द और सूजन कम हो जाएंगी और जहर भी निकल जाएगा। ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि प्याज का इस मामले भी जो दंश के केस होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है और इसके इस्तेमाल से आप महसूस करेंगे कि ये चीज़ देखने में मामूली होती है लेकिन आपके कई सारे काम करती है। चौथा, कान का दर्द। जी हाँ, प्याज आपके कान के दर्द को कम करने में भी काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। प्याज को काट कर कान पर रखकर रात भर अगर लगा के रखते हैं आप, तो इससे कान का जो मैल जो होता है आसानी से निकल जाता है और दर्द में भी बहुत राहत मिलती है। पांचवा, बुखार। अगर आपका शरीर बुखार से तप रहा है तो रात को सोते समय प्याज का एक स्लाइस पैर के तलवे पर रखकर मोजे पहन लें और निश्चित निश्चित तौर पर ये उपाय आपके लिए चमत्कारी साबित होगा। ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है, देखने में माने ही यानी मतलब देखने में भले ही ये दकियानूसी लगता हो, लेकिन एक प्याज का स्लाइस लेकर और उस पर मोजा पहनकर रात भर सोने से बहुत ही चमत्कारी फायदा होता है। इसके बाद
छठा फायदा होता है गला खराब। गला खराब होने की स्थिति में प्याज के छिलकों को गर्म पानी में डालकर या उबालकर प्रयोग करना फायदेमंद साबित होता है। गले की समस्याओं में प्याज की ये अनोखी चाय बेहद लाभकारी होती है और आपका गला मिनटों में ठीक कर देती है। सातवां, दाग धब्बे। प्याज के जो रस युक्त छिलके होते हैं, अगर आप उस छिलके में हल्दी डालकर इसे चेहरे पर लगाएं या फिर प्याज के रस में हल्दी डालकर इसे चेहरे पर लगाने से आपके दाग धब्बे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, ये थे प्याज के कुछ कमाल के फायदे जो मैं कहूंगा कि आज आपको इन सबको पता होना ही चाहिए, और आज आप इन फायदों को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन कमाल के फायदों का फायदा जो हमने आपको बताए हैं इन सभी का लाभ वो भी उठा सकें। तो दोस्तों, आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी, आप इसे कमेंट के माध्यम से हमें अपना फीडबैक जरूर दें। हम जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। Let it go, think about it, go. Think about it's high.